ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सुरसी लगा के दीजिएगा उधर। आज बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें गुलगुल फूल बनाने के लिए। तुम फूल बच्चे कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। हम लोग फूल हैं, फूल हमेशा क्या करता है, खुशबू देता है। और फूल को अगर कोई पैर से भी मसलता है तो उसके पैर में भी वो खुशबू साथ साथ चल जाता है। जहाँ जहाँ जाएगा बड़ा अच्छा खुशबू आ रहा है तो देखता है पैर में वो खुशबू बनकर लग जाता है। तो सोचिए फूल हर हाल में खुशी देता है, सुख देता है। तो बाबा कहता है तुम्हें कभी भी दुख किसी को नहीं देना है, सदा सुख देते रहो, सबको सदा सुख देते रहो। प्रश्न है, किस एक बात से तुम बच्चों को बहुत बहुत खबरदारी रखनी है, बहुत खबरदारी रखनी है आज, धारणा आज बता रहा बाबा। उत्तर है, मनसा वाचा कर्मणा, अपनी जबान पर बड़ी खबरदारी रखनी है। मनसा में भी, मनसा भी बोलता है ना, मन भी बोलता है, मुख भी बोलता है और कर्म भी बोलता है। अभी देखिएगा ना कि लौकिकता में अगर कोई गुस्सा के काम करेगी ना तो पटक पटक के बर्तन काम करेगी। तो बोलता है कि नहीं, बोल रहा है कि हाँ वो गुस्सा है। और कोई प्यार से, बड़ा प्यार से गुनगुनाते हुए एकदम काम करेगी तो कर्म भी बोलता है, मुख भी बोलता है और मन तो बोलता ही रहता है, चिड़चिड़ चिड़चिड़ कोई को करता रहता है। तो बाबा कहता है अपनी जबान पर बहुत खबरदारी रखो, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों जबान पर। बुद्धि से विकारी दुनिया की सब लोक लाज कुल की मर्यादा भूलनी है। लोक लाज कुल की मर्यादा, ये सब सोच, बहुत बच्चे बोलते हैं ना नॉन वेज कैसे छोड़ेंगे, हमारे यहाँ मतलब इन लोगों को कुल का देवता को लगाया जाता है भोग। तो आज बाबा क्लियर कर रहा है कि लोक लाज कुल की मर्यादा किनारा करो, क्योंकि ये भगवान का आदेश है। गलत चीज़ नहीं खाना है, गलत चीज़ नहीं पहनना है, लोक लाज सब कुछ छोड़ना है, अपनी जांच करनी है। तो बाबा कहते हैं कि अपनी जांच करनी, हमने कितने दिव्य गुण धारण किए हैं, दिव्य गुण, दिव्यता का गुण धारण किए हैं, दैवी गुण। बाबा कहता ना कि मनसा वाचा कर्मणा केवल अच्छा। अभी देखिए कलयुगी मनुष्य चाहते हैं कि कितना कड़ी से कड़ा शब्द बोले कि सामने वाले को दिल दहल जाए। कल ही एक बहन थी, एक माता है, वो बोली कि हम बात करेंगे उसको, इतना सुनाएंगे कि कहने का नहीं। मतलब वो कलयुगी संस्कार को लग रहा ना कि प्यार से वो सुनने वाला नहीं और थोड़ा सा कड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा कड़ा होंगे तभी सामने वाला सुनेगा। एक अहंकार का भी रूप है ये, एक क्रोध का भी रूप है। तो इसलिए वो लोग चाहता है कि कड़े से कड़ा बने, और हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए मीठे से मीठा बने। और कितना मीठा, यही तो रेस करनी है कि मीठा में भी और मीठा बनना, लेकिन युक्ति युक्त मीठा बनना। इतना ज़्यादा भी मीठा मत बन जाए कि चीटी खोटा सब लग जाए, तो युक्ति युक्त मीठा बनना है। बाबा कहते हैं ना, आप देखिए सामने वाला बुरा कर रहा, बुरा कर रहा, आप गार्जियन है घर के, आप कुछ बोले ही नहीं, ये बहुत ज़्यादा मिठास नहीं हो जाएगा? हाँ, आप गार्जियन हैं तो आपको जगह जगह बोलना भी पड़ेगा, डांटना भी पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा, समेटना भी पड़ेगा परिवार को। तो यही दिव्य गुण है, दिव्यता का गुण केवल प्यार करना नहीं है। तो लक्ष्मी नारायण जैसे सिविलाइज्ड बने हो, लक्ष्मी नारायण जैसे सिविलाइज्ड, तो लक्ष्मी नारायण जो बने ब्रह्मा सरस्वती, वो क्या डांटते नहीं थे, बोलते नहीं थे, या गलती गिनवाते नहीं थे, गलतियों को भी गिनवाते थे, लेकिन चित्त पर नहीं रखते थे। मतलब वो ऐसा है वैसा, घृणा का रूप नहीं था उनके अंदर, माँ बाप और बच्चे का रूप था। तो इस रूप में अगर कुछ बोल रहे हैं, आपके ऊपर कोई पाप नहीं लग रहा, आप डांट भी रहे ना, आपके ऊपर कोई पाप नहीं लग रहा, क्योंकि विकारी दृष्टि से नहीं, रूहानी दृष्टि से किसी को बोल रहे हैं। तो कहाँ तक ऐसे फूल बने हो चेक करो, कहाँ तक फूल बने ऐसे। ओम शांति। शिव बाबा जानते हैं यह हमारे बच्चे आत्माएं हैं, शिव बाबा जानता है ये मेरे बच्चे। देखिए कोई बच्चा बहुत अच्छा ज्ञान में चल रहा है और अचानक वो छोड़ दिया, बाबा का बन के उसके बाद माया का बन गया, लेकिन वो आत्मा जब भी आएगी ना तो उससे वो फीलिंग आएगी जो चलती थी बहुत पहले, बहुत अच्छे से, जो अच्छे ज्ञान में चलती थी, तो हमें उससे फीलिंग क्या आएगा, ये बहुत अच्छा बच्चा है, नहीं लगेगा कि वो बुरा बच्चा है।
उसी तरह बाबा भी ना हम लोगों को जिस रूप में देखा है उसी रूप में हमें देखता है कि मेरे आत्मा बच्चे हैं। तो तुम बच्चों को आत्मा समझकर शरीर को भूल शिव बाबा को याद करना। अब हम लोगों को ये अभ्यास करना है कि हमें शरीर को भूलकर आत्मा को देखना, परमात्मा को याद करना है। शिव बाबा कहते मैं तुमको तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, शिव बाबा भी निराकार, तुम बच्चे भी आत्माएं भी निराकार हो, यहाँ आकर पाठ बजाते हो, बाप भी आकर पाठ बजाता, पाठ ही बजाता है ना, कर्म करके दिखलाता है, योग सिखलाता है, सबको घड़ी घड़ी गलतियों को दिखाता है कि क्या गलत सही हो रहा है। तो यह भी तुम जानते हो कि ड्रामा प्लान अनुसार बाप तुमको आकर गुल गुल फूल बनाते हैं। समय अनुसार कितना खराब काटा बन गए थे और उसको बाबा फूल बना दे रहा है। तो सब अवगुणों को छोड़ गुणवान बनना चाहिए। अब हमें गुणवान बनना चाहिए। गुणवान कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, सुना अनसुना नहीं करते, ये भी दोनों बात है। बाहर की बातों को सुना अनसुना भल कर दे, बाबा अगर आपको दे रहा है सावधानी चेतावनी समझानी, उसको सुना अनसुना ना करें। कोई दुखी है तो उसका दुख दूर करते हैं, बाप भी आते सारी दुनिया के दुख दूर करने के लिए, जरूर दूर करते हैं। बाप तो श्रीमत देते हैं ना कि यहाँ पर गलती हो रहा है, यहाँ तुम इस श्रीमत का पालन करो। तो जितना हो सके पुरुषार्थ कर सभी के दुख दूर करते रहो, पुरुषार्थ से ही अच्छा पद मिलेगा। यही पुरुषार्थ करना, ना दुख लेना है ना दुख देना है, केवल सुख देना है, सबको दुख से निकालने का रास्ता बताना है। पुरुषार्थ ना करने से पद कम हो जाएगा, यही सब पुरुषार्थ नहीं करते। बाबा बाबा कहना पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ तो ये है ना कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम अचल अडोल कैसे रहें, मुस्कुराते हुए कैसे पार करें, यही पुरुषार्थ है। तो वह फिर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाएगा अगर नहीं करते हो। बाप बच्चों को हर बात की समझानी देती हैं, बच्चे अपने को घाटा डाले या बाप नहीं चाहता कि हम घाटा डालें। दुनिया वाले फायदे और घाटे को नहीं जानते, इसीलिए बच्चों को अपने पर रहम करना है। दुनिया वाले नहीं जान रहे आपका फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, लेकिन हमें अपने ऊपर रहम करना है कि हम कहीं घाटा ना डाल दें। श्रीमत पर चलते रहना है, भल बुद्धि इधर उधर भागती है तो भी कोशिश करो कि हम ऐसे बेहद के बाप को क्यों नहीं याद करते हैं, जिस याद से ही ऊँचा पद मिलता है। हम लोग जब शरीर को याद करते हैं तो आप सोचिए कि मिट्टी का खिलौना से खेलने में मजा आएगा कि सोने हीरो के खिलौने से, किससे खेलने में मन लगेगा? तो सोना हीरा कहाँ बैठा हुआ है? यहाँ आत्मा से खेले, शरीर से नहीं खेले। तो अगर शरीर से खेलते तो आपको मिट्टी का खिलौना मिलेगा खेलने का, जो घड़ी घड़ी टूटेगा, और अगर आत्मा को देखेंगे तो आपको हीरा मोती का खिलौना मिलेगा बचपन में, तो ऊंचा पद मिलता है। कम से कम स्वर्ग में तो आ जाते हैं ना, तो परंतु स्वर्ग में ऊंचा पद भी तो पाना। अब जीवन तो मिल गया बच्चों को, और जीवन मिल गया उसके बाद वो बन गया एकदम गरीब, खाने खाने भी ना तरस रहा है, क्या ऐसा जीवन चाहिए? नहीं ना। तो स्वर्ग में तो जाना है, लेकिन ऊंचा पद पाने का पुरुषार्थ करना है। बच्चे के माँ बाप कहते हैं ना कि हमारा बच्चा स्कूल में पढ़कर ऊंचा पद पाए, यहाँ तो किसको पता नहीं पड़ता कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तुम्हारे संबंधी यह नहीं जानते कि तुम क्या पढ़ाई पढ़ते हो, वो लोग तो बोलते इन लोग क्या करने जाती है, दिन रोज रोज जाना रहता है, क्या पढ़ाई। लेकिन जब हमारी चलन सुधरती है तो उनका टेंशन बढ़ जाता है कि कुछ तो सीखने जा रही है। तो उस पढ़ाई में तो मित्र संबंधी सब जानते हैं, इसमें कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानते हैं, और कोई का बाप नहीं जान, कोई का बाप जानता है तो भाई बहन नहीं जानते, मतलब परिवार में कोई जाना बाबा का ज्ञान और कोई नहीं भी जाना, पूरा परिवार एक्यूरेट जानता है, पूरी तरह से अच्छे से नहीं जानता है। कोई की माँ जानती है तो कोई बाप नहीं जानता है, क्योंकि यह विचित्र पढ़ाई है और विचित्र पढ़ाने वाला है, विचित्र पढ़ाने वाला है। अब माँ जान रही है तो बाप भल ज्ञान में है, तो बाप क्या बोलेंगे कि इतना ज़्यादा दुनियादारी क्या बोझा लेके हम चलेंगे, अपना परिवार को तो देखो, मतलब ज्ञान में चलने के बावजूद ऐसे ऐसे बच्चे हैं। तो नंबर वार समझते हैं ना सभी,
तो बाप समझाते, भक्ति तो तुमने बहुत की है, सो भी नंबर वार की है, भक्ति भी नंबर वार की है। कोई देखिए तब मन से आंसू बह जाता है। रामकृष्ण परमहंस का भक्ति और सबका भक्ति अलग अलग। वो बोलते थे हमको जिस समय लगेगा कि पूजा करना उस समय करेंगे, सुबह मन करेगा सुबह करेंगे, शाम को मन करेगा शाम करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे। और भोग लगाने का भी वही चीज है, हमको दिल करेगा तो लगाएंगे, नहीं लगाने का दिल करेगा नहीं लगाएंगे। लेकिन राजी हुई कि नहीं उसी के ऊपर माँ राजी हुई। क्यों? वो कहते थे कि अगर नियम के प्रमाण अगर रोज हम कर दे पूजा लेकिन मेरा मन ही ना जाए तो क्या फायदा। वैसा मेरा मन पूरी तरह से उसमें होगा तब हम करेंगे ना, तो पूरी तरह से वो खुश होगी। और वही देखिए आज उन पर सही में उनकी पत्नी खुद देखी थी कि सही में इनके पास तो माँ काली आती है, बात करती है, खाती है, खिलाती है। तो जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर यह ज्ञान लेते हैं। अब भक्ति की रसम रिवाज पूरी होती है। आगे मीरा के लिए कहा जाता था उसने लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ी। आज लोक लाज ही छोड़ रहे ना, लोक लाज कुल का मर्यादा क्या है? आज लोग कोई मरता है तो बोलते हैं हल्दी बनाओ तो तेल नहीं डालो, छौका नहीं लगाओ। और आज जाते हैं बाहर में सिंघाड़ा पकौड़ी, पेट मानता नहीं, बोलेंगे पेट नहीं मानता, पेट नहीं जीभ नहीं मानता है, जीभ नहीं मानता है। घर में सादा खाना से मन नहीं भरता है तो बाहर का सब कुछ आप खा रहे हैं, सिर्फ बनाने का परहेज क्यों? तो बाबा कहता ये झूठी लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ देनी है। यहाँ तो तुमको सारे विकारी कुल की मर्यादा छोड़नी है। अब उसमें बाहर का खा रहे हैं घर में नहीं खा रहे हैं, ये कैसी मर्यादा है? पूरी अगर आपको दुख हुआ है कोई शरीर छोड़ दिया तो पूरी तरह से करो ना, उसको भोग लगाओ, प्यार से बनाओ, कितना अच्छा बात है। और यही बाबा हम लोग को सिखाता है कि बच्चे उसको तृप्त करो। तो बुद्धि से सबका संन्यास करना है। अब हम जिंदा को तो पूछे नहीं, मरने के बाद ब्राह्मणों को भोज खिला रहे हैं, क्या फायदा ऐसा? अरे जिंदा में इतना उसको खिलाओ कि तृप्त करके जाए वो। तो इस विकारी दुनिया का कुछ भी अच्छा लगता है क्या? कुछ भी अच्छा लगता है? विकारी दुनिया का कुछ नहीं अच्छा लगता है। तो विकर्म करने वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, वह अपनी ही तकदीर को खराब करती हैं। ऐसा कोई बाप थोड़ी होगा जो बच्चों को किसी को तंग करता हुआ पसंद करेगा, वह ना पढ़ता पसंद करेगा। ऐसा कोई माँ बाप होगा कोई बच्चा बदमाश निकल जाता उसको मार रहा उसको अच्छा नहीं लगता है, प्यार करने वाला बच्चा ही पसंद आता है। फिर नहीं पढ़े, हम लिखवा दिए नाम लेकिन पढ़े ही ना अच्छा लगेगा? उसी तरह हम यहाँ पर आए और पढ़ाई पढ़े ही ना कैसा लगेगा माँ बाप को? हमें पढ़ना है, धारण करना है। तो तुम बच्चे जानते हो वहाँ ऐसे कोई बच्चे होते ही नहीं सतयुग में। सतयुग में ऐसा बच्चा चुन चुन के ले जाया जाएगा, बाबा ले जाएगा जो पूरी तरह से एक्यूरेट चल रहे हैं। नाम ही है वहाँ देवी देवता, कितना पवित्र नाम है। तो अपनी जांच करनी है, हमारे में दैवी गुण है, सहनशील भी बहुत बनना होता है, बहुत सहन करना पड़ता है, जगह जगह कोई कुछ बोल दिया चुपचाप रहना पड़ता है। बुद्धि योग की बात है, ये बुद्धि की बात है ना, हम चुप रह गए। तो ये वह लड़ाई तो बहुत मीठी है, यह लड़ाई तो बहुत मीठी है, जैसे बाबा से लड़ाई करते, बाबा ये नहीं किया, बाबा ऐसे नहीं करो, बोलते ना लड़ाई करते हैं। तो बाप को याद करने में कोई लड़ाई की बात नहीं, लेकिन मीठी मीठी रूह रिहान होती है। तो बाकी हाँ इसमें माया विघन डालती है बाबा से बात करने में, क्या कर रहे हो, पागल हो गया है, सन्यासी बन गया, मतलब किससे बात कर रहा है, ये सब होता है। तो उससे संभाल करनी होती है, माया पे विजय भी तुमको पानी है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम जो करते आए बिल्कुल एक्यूरेट वही पुरुषार्थ चलेगा। ये भी है कि जो हम किए वही चलेगा, जो कल्प कल्प चलता आया। तुम जानते हो हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं, फिर सत्युग में अथाह सुख पाएंगे। कल्प कल्प बाप ऐसे ही समझाते हैं, यह कोई नई बात नहीं है, यह पुरानी बात है। बाबा कहता कल्प कल्प ऐसा ही चलेगा तो ये पुरानी बात हो गई। हर कल्प में बोलते ना रोज खाना बनाना तो पुरानी बात हो गई ना, रोज तो बनाना ही है। तो बाप तो चाहते हैं बच्चे पूरा पूरा गुलगुल बन जाए, एकदम फूल, मासूम से फूल बन जाए, बहुत अच्छे। लौकिक बाप का भी दिल होगा ना कि हमारे बच्चे गुलगुल बने, बहुत अच्छे बने। पारलौकिक बाप तो आते हैं कांटों को फूल बनाने, तो ऐसा बनना चाहिए ना,
ऐसा बनना चाहिए हमें भी। मनसा वाचा कर्मणा, जबान पर बहुत खबरदारी रखनी है। जबान चलता रहता है ना, मनसा वाचा कर्मणा, तो हर एक कर्मेंद्रियों पर बड़ी खबरदारी चाहिए। बोलते हैं ना कि काम विकार बहुत गुप्त है, बोलते हैं ना ब्रह्मचर्य को अपना लिए, काम विकार यही तक नहीं है, आपका जीव जा रहा है खाने में, तो आखिर देहभान है ना, तो देहभान का आकर्षण ही काम विकार है। तो अभी तक हम लोग पूरी तरह से काम विकार से मुक्त हुए हैं, तो इसीलिए बाबा कहता हर चीज पे कर्मेंद्रियों पर बड़ी खबरदारी चाहिए। माया बहुत धोखा देने वाली, नजर देखना आत्मा को, शरीर पूरा देख लेता है आंख। तो बाबा कहता कर्मेंद्रियां जाए तुम्हारा टेंशन, बोले नहीं लौट के आओ, लौट के आओ। तो उसे बहुत संभाल रखनी है, बड़ी मंजिल है। आधा कल्प से क्रिमिनल दृष्टि बन गई है, उनको एक जन्म से सिविल बनाना है, 63 जन्म से गलत बन गया और अब सिविल बनाना है। जैसे इन लक्ष्मी नारायण की, ये सर्वगुण संपन्न है ना लक्ष्मी नारायण, वहाँ क्रिमिनल दृष्टि होती ही नहीं, क्रिमिनल दृष्टि होती नहीं। मन में सोचते थे कैसे नहीं होगा, लेकिन देखिए वहाँ एक बच्चे का रूप होता है, जो छोटा छोटा बच्चा देखते एक दूसरे से कहते, आजकल तो बच्चे भी विकारी हो गए हैं, उनका भी दृष्टि जाता है क्योंकि आत्मा विकारी है, लेकिन एक मासूम बच्चा एक दूसरे को खेलता है एक दूसरे के साथ और कुछ नहीं। तो रावण ही नहीं, यह कोई नई बात नहीं, हर कल्प सत्युग में ऐसा ही होता है। तुमने अनेक बार ये पद पाया है, दुनिया तो बिल्कुल पता ही नहीं दुनिया वालों को, यह क्या पढ़ते हैं। बाप तुम्हारी सब आशाएं पूर्ण करने आते, जितनी भी आशाएं ना सब बाबा पूरा करता है। अशुभ आशाएं रावण की होती, अशुभ आशाएं रावण की होती, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रावण का है, जिसको वो भी पूरा करता है। तुम्हारी है लेकिन शुभ आशाएं, क्रिमिनल कोई भी आस अब नहीं होनी चाहिए, किसी के अंदर क्रिमिनलाइज नहीं होना चाहिए आशा। बच्चों को सुख की लहरों में लहराना है, सबको सुख देना, खुद भी सुखी रहना है। तुम्हारे अथाह सुखों का जिम्मेवार कौन है, वर्णन नहीं कर सकते। बाबा जिम्मेवार है हम लोगों को बहुत ज्यादा सुख में ले जाने का, तो इतना सुख में ले जाता है कि उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, इतना सुख वहां होगा। अभी ऐसा सोचे थे कितना हल्का होंगे, सोचते थे शुरुआत में कि बाबा बोलते हैं इस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब छोड़ दो, ईर्ष्या द्वेष सब छोड़ दो, इसके बिना जीवन कैसे चलेगा, झूठ इतना रग रग में बस गया था कि झूठ के बिना चलेगा कैसे। फिर सोचे अच्छा चलो छोड़ते जा, देखते हैं बाबा छोड़ाएगा। लेकिन आज हल्का लग रहा है, जैसे मैल जमा हुआ है ना, वो मैल निकल जाए तो एकदम फ्रेश महसूस होता है। तो सुख का वर्णन थोड़ा ही होता है, तुम सब बच्चों की एक ही आशा है कि हम पावन बने। कैसे पावन बनेंगे, तो सो तुम जानते हो पावन बनाने वाला एक बाप, उसको याद करने से पावन बनेंगे। तो याद क्या करना है, बाप के साथ साथ पढ़ाई को याद करना है। फर्स्ट नंबर नई दुनिया में पावन ये देवी देवता ही हैं। पावन बनने में देखो ताकत कितनी है। आज देखिए साधु संन्यासी का लोग पैर चुभता, क्यों, वो क्या किया, लेकिन वो पवित्रता को अपना रहा, मन कोई मन को पवित्र बना रहा, कोई तन को पवित्र बना रहा। देखिए अभी बहुत सारे सन्यासी जो हैं, जैसे अनिरुद्धाचार्य, सब गृहस्थी हैं, लेकिन वो मन से शुद्ध पवित्र बन रहे हैं ना, उनके आगे भी माथा टेका जा रहा है। और कोई सन्यासी है जो तन से पवित्र है, उनका भी माथा टेका जा रहा है, लेकिन वो दोनों ही संपूर्ण पवित्र नहीं है। तो तुम पावन बन, पावन दुनिया का राज्य भाग्य पाते हो, इसीलिए कहा जाता है इस देवता धर्म में ताकत बहुत है। देवता धर्म में ताकत बहुत है क्योंकि हम लोग मनसा से भी और शरीर से भी पवित्र बन जाते हैं। तो यह ताकत कहाँ से मिल रही है हम लोगों को बनने का, बाबा से मिल रहा है, तो सर्वशक्तिमान बाप से। घर में तुम मुख्य 2-4 चित्र रख कर बहुत सेवा कर सकते हो। कोई ऐसा ऐसा चित्र जैसे बाप की प्रतिज्ञा लगा दे, बाप का खत लगा दे, क्योंकि खत हमको खींचा था, कहीं गए थे ना, खत जब जाते थे तो खत पढ़ते थे। सही में बाबा कितना इंतजार करता है भगवान, और हम कभी उससे बात नहीं करते हैं, बार बार खत को पढ़ते थे। उसमें नहीं पता था कि भगवान का खत है, मतलब लिखा हुआ था कि इस भगवान का खत है, लेकिन कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वो खींचता था। और बाबा का प्रतिज्ञा, जो बाबा का दृष्टि रहता था ना, फोटो से भी दृष्टि देता था बाबा, ये महसूस किए हैं, क्योंकि हमको कोई भाई बहन तो बुलाया नहीं, ज्ञान नहीं दिया। तो बस समय आएगा
कर्फ्यू आदि ऐसा लग जाएगा जो तुम कहीं जा आ नहीं सकोगे, तो तुम्हारे पास जो फोटो है जो लगा हुआ प्रदर्शनी उसी से सेवा कर सकते हो। तुम हो ब्राह्मण सच्ची गीता सुनाने वाले, नॉलेज तो बहुत बड़ी है और बहुत सहज है। जिनके घर वाले सब आते हैं, शांति लगी पड़ी है उनके घर में, उन्हों के लिए तो बहुत सहज है, लेकिन जिसके घर वाले नहीं आते हैं ज्ञान में, उसका तो बड़ा मुश्किल है। दो चार मुख्य चित्र घर में रख दो, यह त्रिमूर्ति, गोला, झाड़ और सीढ़ी का चित्र काफी है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, गोला यानी सृष्टि चक्र चारों युग स्वास्थ्य का, झाड़ और सीढ़ी, तो उनके साथ गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, वह भी चित्र अच्छा है। उनके साथ गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं सी परमात्मा, वो भी चित्र लगा दो। कितना सहज है, इनमें कोई पैसा खर्चा नहीं होता ज्यादा, कुछ खर्चा होता है सब फोटो रखने में, चित्र तो रखे हैं ना। तो बाबा कहता है कि चित्रों को देखने से ही ज्ञान की स्मृति आती जाएगी, मतलब याद आता जाएगा। जैसे कोई मतलब भूल जाता है, याददाश्त भूल जाता है, तो उसको पुराना दिखाया जाता है। तो कोठरी बनी पड़ी हो उसमें भर तुम सो भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा के घर में बोला जा रहा कि अगर बाबा का घर, उसमें सो भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर श्रीमत पर चलते रहो तो तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो, कल्याण करते भी होंगे, फिर भी बाप रिमाइंड कराते हैं ऐसे ऐसे तुम कर सकते हो, मतलब याद है बाबा क्या बताया है, लेकिन फिर भी बाबा याद दिला देता है ताकि भूलो नहीं। ठाकुर जी की मूर्ति रखते हो ना, ठाकुर जी की मूर्ति, इसमें तो फिर समझाने की बात ही। जन्म जन्मांतर तुम भक्ति मार्ग में मंदिरों में भटकते रहते हो, परंतु ये पता ही नहीं ये कौन है, पता ही नहीं था कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, बस देते हैं ये मालूम है। तो मंदिरों में देवियों की पूजा करते हो, उनको ही फिर पानी में जाकर डुबो देते हो, कितना अज्ञान है, कितना अज्ञान है। पूज्य की पूजा कर फिर उनको उठाकर समुद्र में डाल देते हो, गणेश को, माँ को, सरस्वती को भी डुबो देते हो। बाप बैठ बच्चों को कल्प कल्प ये सब बातें समझाती हैं, रियलाइज कराते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, कितना खर्चा, कितना एनर्जी बर्बाद कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो। तो बच्चों को तो अब नफरत आ जानी चाहिए भक्ति से, जबकि बाप इतना समझाते रहते, मीठे मीठे बच्चों तुम ये क्या करते हो, मतलब गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते हैं कि आज खेले चलो हटा दे अब। तो बाबा कहता है, हंसते हैं भी बस, समझाते हैं तुम क्या कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, सब कुछ वेस्ट कर रहे हो। इनको कहते हैं विषय वैतरणी नदी, बस गोता खा रहे हैं आप, जो सब कर रहा वही हम भी कर रहे हैं। ऐसी नहीं कि वहाँ कोई छीर का सागर है, परंतु हर चीज वहाँ ढेर होती है, कोई चीज पर पैसे नहीं लगते, पैसे तो वहाँ होते ही नहीं, सोने के सिक्के देखने में आते, जबकि मकानों में ही सोना लगता है, सोने की ईंटें लगती, तो सिद्ध होता है वहाँ सोने चांदी का मूल्य ही नहीं, सतयुग में सोने हीरो का महल बनेगा, तो यानी कि वहाँ सोने हीरो का उतना मोल नहीं होगा, तब ना लगाएंगे। जैसे यहाँ ईटा पत्थर फेंका रहता कोई ले जाता है, लेकिन अभी तो कलयुग है ना, ईटा भी पड़ा रहता तो वो भी उठा कर ले जाते हैं लोग। तो बाबा कहता उसका मूल्य सतयुग में नहीं होगा सोने हीरो का भी, यहाँ तो देखो कितना मूल्य है। तुम जानते हो एक एक बात में वंडर लगता है, यहाँ देखो एक छोटा सा नक का बेसर भी लेने जाए तो कितना लग जाता है, वहाँ ईटा पत्थर सब होगा सोने का, वहाँ मतलब मिट्टी का कोई चीज होगा ही नहीं, जहाँ देखिए कंकड़ के रूप में भी हीरा मोती पड़ा हुआ है। तो मनुष्य तो मनुष्य ही है, यह देवता भी मनुष्य है, परंतु उनका नाम है देवता। इन्हों के आगे मनुष्य अपनी गंदगी जाहिर करते हैं कि हम पापी हैं, नीच हैं, हमें कोई गुण नहीं। देवी देवता के आगे मतलब वो स्वरूप के आगे, जैसे कि अभी आप अपनी युवावस्था को देख ले और अभी का देखे शरीर, तो बोलते हम पहले बहुत सुंदर थे, अभी वैसा नहीं रह गए, बोलते हैं ना। उसी तरह हम लोग देवी देवता के आगे गाते हैं कि हम तो नीच है, पापी, मतलब वो स्वरूप अब नहीं है जो वो स्वरूप था। तो तुम बच्चों को बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हम ये मनुष्य से देवता बनते हैं, देवताओं में दैवी गुण है, यह तो समझते हैं कि मंदिरों में जाते हैं, परंतु यह नहीं समझते कि ये भी मनुष्य ही हैं, कोई अलग नहीं है। तो हम भी मनुष्य हैं, परंतु ये दैवी गुण वाले और हम आसुरी गुण वाले हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम किसके
ना लायक थे, कितने ना लायक थे, ना लायक थे, लायक नहीं थे देव सत्यु के। इन्हों के आगे जाते थे तो गाते थे, सर्वगुण संपन्न हो आप, 16 कला संपूर्ण हो, संपूण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम हो, और हम खुद मर्यादा का पालन नहीं करते हैं। तो अभी बाप समझाते, यह तो पास्ट हो गए हैं, इनमें दैवी गुण था अथा सुख था, वही फिर अथा दुखी बन गए। इस समय सभी में 5 विकारों की प्रवेशता है, सबके अंदर 5 विकार भरा हुआ है। ये नहीं कहने का कि अभी नहीं है, है सबके अंदर, हाँ नंबर वार हो गया है, कम बेसी हो गया। अभी तुम विचार करते हो कैसे हम ऊपर से गिरते गिरते एकदम पट पर आकर पड़ गए ना, एकदम पट, मतलब कहाँ देवी देवता और कहाँ एकदम शूद्र, है ना, तो एकदम कम हो गया। तो भारतवासी कितने साहूकार थे, अभी देखो कर्जा भी उठाते रहते, नई घर चलता है तो कर्जा भी उठा लेते हैं। तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते और कोई बता ना सके। ऋषि मुनि तो नीति नीति कह के किनारा कर लिए, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे, हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो हम वह तो सच कहते थे, जो पहले वाले साधु संन्यासी थे बोलते थे हम नहीं जानते, वो सच बोलते थे, इसलिए उनका बहुत मान था। और आजकल सन्यासी लोग सब कुछ जान गया है, भगवान ही बन गया है लोग आजकल का। तो न बाप को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे, अभी भी कोई भी नहीं जानते थे, सिवाय तुम बच्चों के बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं कोई नहीं जानते। वास्तव में महान आत्मा तो एक लक्ष्मी नारायण है, एवर प्योर है, जन्म भी प्योर होता है, तो यह भी नहीं जानते थे। और कोई कैसे जान सकते हैं बताओ, जब देवी देवता नहीं जान रहे हैं तो मनुष्य कैसे जानेंगे। कितना सिंपल बात बाबा समझा देते हैं, परंतु कई बच्चे इन बातों को भूल जाते हैं, बाहर जाते हैं फिर भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर भान में आ जाते हैं। कई अच्छी रीति गुण धारण भी करते हैं तो मीठे भी लगते हैं वैसे बच्चे, जितना धारणा करेंगे उतना हम सबके नजरों में मीठा बनते जाएंगे। जितना बच्चों में मीठा गुण देखते हैं तो दिल खुश होता है ना, कोई तो नाम बदनाम भी कर देते हैं। यहाँ तो फिर बाप टीचर सदगुरु तीनों की निंदा करा देते, कोई को बच्चा बदनाम कर देते, किसको, माँ बाप टीचर सदगुरु सबको बदनाम कर देते हैं। मतलब चलना चाहिए श्रीमत पे, चलते हैं मन मत पे, चलते हैं पर मत पे, चलते हैं जन मत पे, दुनिया क्या कहेगा। तो सत बाप सत टीचर और सदगुरु का निंदा कराने से ट्रिब्यूनल दंड पड़ जाता है, ट्रिपल दंड पड़ता है। बाबा कहता है कि ट्रिपल मतलब 3 गुना दंड पड़ेगा। अब जो बच्चे दूसरों को समझा रहे वो खुद ही नहीं कर रहे हैं और कर, तो बाबा कहता है कि अगर एक गलती करते हो तो 3 गुना दंड पड़ जाएगा, 3 गुना। तो इसीलिए बाबा कहता है, क्लियर कर रहा है कि बच्चे ध्यान दो, अटेंशन दो, कि तुम्हारे से गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम दूसरों को समझा रहे, अगर हम खुद ही ना करें तो फिर लोग बोलेगा ना कि क्या देखो क्या हाल है। तो परंतु कई बच्चों में कुछ समझ ही नहीं आता इन सब बातों का। बाप समझाते ऐसे भी होंगे जरूर, और यही दंड मिल जाता है तो बोलते कितना भोगना भोगना। देखिए अगर मेरे सूर्य बोले कि कीचड़ सूखता ही नहीं, बहुत ज्यादा कीचड़ कर दिया है पानी, बहुत ज्यादा कीचड़ कर दिया, सही लगेगा, बोलेंगे सूर्य का रोशनी इतना तेज हो कि कीचड़ खुद ही सूख जाए। कहने का मतलब मैं आत्मा जितना ज्वाला स्वरूप योग में रहूंगी तो बाहरी परिस्थितियां कुछ भी नहीं है। तो माया भी कोई कम नहीं है, आधा कल्प पाप आत्मा बनाती है, बाप भी आधा कल्प के लिए पुण्य आत्मा बना देते हैं, दोनों का लड़ाई। हम लोग साइड हो जाए, बाबा और माया को लड़ने दे, लेकिन माया लड़ेगी नहीं ना, दुखी हम लोग हो जाते हैं तो बस हम लोग लड़ाई कर लेते हैं। तो वह भी नंबर वार बनते हैं, बनाने वाले तो 2 हैं, चाहे तो राम बनाएगा अपने अनुसार, चाहे तो रावण बनाएगा अपने अनुसार। तो राम को परमात्मा कहते हैं, राम राम कह के पिछाड़ी में फिर शिव को नमस्कार करते हैं, वही परमात्मा है। परमात्मा के नाम गिनते हैं, कितने सारे नाम हैं, तुमको तो गिनती करने की कोई दरकार नहीं। यह लक्ष्मी नारायण पवित्र थे ना, इन्हों की दुनिया थी जो पास्ट हो गई है, उनको स्वर्ग नई दुनिया कहा जाता है। फिर जैसे पुराना मकान होता है तो टूटता है, टूटने लग जाता है तो टूटने लायक बन जाता है। यह दुनिया भी ऐसे ही अभी टूटने लायक बन चुकी है, तो बाबा इसको बचा कर क्या करेगा। बाबा मेरा दुनिया बचा लेना, कैसे बचाएगा बाबा, जान रहा है कि मकान एकदम खराब हो चुका है।
तो अभी है कलयुग की पिछाड़ी। कितना सहज बात है ना समझने की, धारण करनी और करानी है। धारण करना है कि ये दुनिया रहने वाली नहीं है, तो दूसरों को भी धारण कराना, इस दुनिया में मत आसक्ति रखो। तो बाप तो सबको समझाने के लिए नहीं जाएंगे ना, समझाना तो तुम बच्चों को है। तुम बच्चे ऑन गॉडली सर्विस पर हो, सेवा कर रहे हैं, भगवान की यज्ञ की सेवा है। बाप जो सेवा सिखलाते वही सेवा करनी है, तुम्हारी गॉडली सेवा ओनली, बस और कोई सेवा नहीं, बाबा का सेवा ही करना है। तो ओनली क्यों बोला बाबा, कि लौकिक में भी अगर आप कर रहे कर्म तो बाबा के बच्चे बनकर सेवा करें, ना कि एक माँ बेटी बहन पत्नी बनकर करें, कभी नहीं वो सेवा सेवा कहलाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता ओनली गॉडली सर्विस। तुम्हारा नाम ऊंचा ऊंच करने के लिए बाबा ने कलश तुम माताओं को दिया, देखो कितना गिरा दिया गया था, और आज बाबा नाम ऊंचा करना चाहता, तुम माताएं ही नाम गिरा देती हो। तो ऐसे नहीं कि पुरुषों को नहीं मिलता, दोनों को मिलता है, मिलता सबको। अभी तुम बच्चे जानते हो हम कितने सुख स्वर्गवासी थे, वहाँ कोई दुखी नहीं थे। अभी है संगम युग, फिर हम उस नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। अभी है कलयुग पतित पुरानी दुनिया, बिल्कुल ही जैसे भैंस बुद्धि मनुष्य हो गए हैं। इतना समझाने के बाद भी बोल रहा है बाबा कि भैंस बुद्धि क्यों बोल रहा है, कि बाबा बोल रहा है कि बच्चे हीरा से खेलो, हीरा से खेलो, और बच्चे मिट्टी से खेलने चले जाते हैं। तो क्या खेलना है, अब किससे खेलना है, तो आत्मा को देखना है कि देह को देखना है। तो अभी तो इन सब बातों को भूलना पड़ता है, देह सहित देह के सब संबंधी को छोड़ो, क्यों पकड़े हो। अपने को आत्मा समझना, शरीर में आत्मा नहीं है, शरीर कुछ भी नहीं कर सके, उस शरीर पर कितना मोह रखते हैं ना, शरीर जल जाता है, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर भी ले लिया, फिर भी बारह मास जैसे हाय हुसैन मचाते रहते हैं, वो चला गया आपको छोड़ के मेरा पति, अरे कभी नहीं आएगा वो, अब आएगा फिर कल्प के बाद आएगा। हाँ, क्यों हम लोग इतना पड़े हुए हैं, जो चला गया चलो खत्म कर दो उसको, आप बाबा के लिए करो सब कुछ, बाबा को के नाम पर सब कुछ करो। तो अभी तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ेगी तो जरूर तुम ऊंचे से ऊंचे घर में लोगे जन्म ना। बाबा तो क्लियर किया कि जो ज्ञानी आत्मा वो ऊंचे घर में जन्म लेगा, नंबर वार लेगा, लेकिन जो जैसा पुरुषार्थ किया है, थोड़े ज्ञान वाला साधारण कुल में जन्म लेगा, ऊंचा ज्ञान वाला ऊंचे कुल में जाएगा। इसलिए ज्ञान को समझना है, वहाँ सुख भी बहुत होता है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, बाप जो सुनाते हैं वह सुना अनसुना नहीं करना है, बैठा लेना है अंदर में, गुणवान बनकर सबको सुख देना है, पुरुषार्थ कर सबके दुख दूर करना है, विकारों के वश होकर कोई भी विक्रम नहीं करना है, सहनशील बनना है, कोई भी क्रिमिनल दृष्टि विकारी आस किसी से नहीं रखनी है, विकारी आस भी नहीं रखनी है, ये पूरा हो, ये करे कुछ नहीं। वरदान शांति की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव करने वाले सहज योगी बनो। देखिए कभी कभी मतलब हम किसी को देखते हैं कि बोल रहा है, वो सामने वाला कुछ बोल रहा गलत, तो हमें उस समय शांति से उस पर विचार सागर मंथन करके फिर बोलना चाहिए अच्छे से, या तो वाइब्रेशन देना चाहिए, ये नहीं कि वो बोला तो हम भी तुरंत बोलना शुरू कर दें। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, शांति की शक्ति से ही और सारी शक्तियाँ निकली हैं, शांति में ही सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। साइंस की शक्ति का भी प्रभाव है, वह साइंस भी साइलेंस से ही निकलती है। कोई भी इन्वेंशन होता है, जैसे कोई भी मशीन बनाया, कोई भी बल्ब बनाया, कुछ भी बनाया साइंटिस्ट लोग, तो पहले ना साइलेंस में जाता उन लोग, 6 महीना साल भर एकदम मनन चिंतन करता, कैसे क्या लगाएं, कैसे क्या जोड़ें कि हम ये बनाएं, और तब वो चीज बना। तो मेन क्या हुआ, साइलेंस की शक्ति। तो शांति की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो, असंभव को भी संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं वह आपके लिए संभव है, ये वरदान है बाबा का, कि जो दुनिया के लिए असंभव वो हम कर सकते हैं, वो संभव कर सकते हैं, और संभव होने के कारण सहज है, सहज है ना, हमको आ गया कुछ भी करने के लिए तो फिर सहज हो जाएगा ना। तो शांति की शक्ति को धारण करो, सहज योगी बन जाओ।
स्लोगन है वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो तो गायन योग्य भी बन जाओगे। हमारे बोल कैसे हों, सबके लिए रास्ता दिखाने वाले वरदानी बोल हों, सबको आगे बढ़ाने वाले बोल हों। ओम शांति।